आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को कवर करेगा। जैसे कि गाइज हम सभी जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें एक स्टोरेज होता है ना। अब स्टोरेज पे जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि वहां पर रन टाइम एनवायरमेंट भी होता है, आपका डेटा भी सेव होगा, तो उसका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उसको प्रॉपर वे में और मैक्सिमम वे में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कंपाइलर के लिए और डेटा को स्पेस देने के लिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस जैसे कि हमें मालूम है कि दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो है, द एग्जीक्यूटिंग टारगेट प्रोग्राम रन इन इट्स ऑन लॉजिकल एड्रेस, यानी जो भी आपका टारगेट प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, टारगेट प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल एड्रेस पर, यानी खुद के लॉजिकल एड्रेस पर जो है उसका एक स्पेस बनेगा, वहां पर वो एग्जीक्यूट होगा। एंड वैल्यू ऑफ एवरी प्रोग्राम, जैसे मान के चलिए कि आपने अपने कंप्यूटर पीसी में 4 से 5 या 10 प्रोग्राम बना लिए, ठीक है। अब यह जो 10 प्रोग्राम है, इन सब का जो है एग्जीक्यूशन जो होगा कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद, वो कहाँ पर होगा, इनके लॉजिकल एड्रेस स्पेस पर होगा, और हर प्रोग्राम का कुछ वैल्यू जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो एवरी प्रोग्राम इन द वन लोकेशन, तो जो सारे के सारे प्रोग्राम है वो आपके ही कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में होंगे, यानी एक लोकेशन पर होंगे, एक लोकेशन पर 10 प्रोग्राम आपने बनाए, उनको एग्जीक्यूट किया, वो लॉजिकल स्पेस पर एग्जीक्यूट हो गए और एक वन लोकेशन पे क्या है, स्टोर है। अब जो बात आती है वो ये होती है कि द लोकेशन इज शेयर्ड बाय, यानी जो लोकेशन है जहाँ पर आपका प्रोग्राम सेव है, जैसे जनरली सी ड्राइव में हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं, तो सी ड्राइव में मान के चलिए सी ड्राइव में किसी लोकेशन पर आपका प्रोग्राम सेव हो गया, तो यह जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये शेयर्ड होती है किन किन से, यह लोकेशन की वैल्यू जो है वो शेयर्ड होती है कंपाइलर से, दूसरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम से शेयर होती है, और टारगेट मशीन से शेयर होती है फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। तो ये था लॉजिकल एड्रेस का कॉन्सेप्ट कंपाइलर के बिहाफ में, और ये किस तरह से वैल्यू को शेयर करता है, ये छोटी सी जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, जो रन टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो लॉजिकल एड्रेस जो स्पेस है वो इंक्लूड करता है, दो चीज़ों को इंक्लूड करता है। पहला ये इंक्लूड करता है डेटा एरिया को जहां पर आपका डेटा स्टोर होगा, और जो दूसरा इंक्लूड करता है वो होता है प्रोग्राम एरिया को। तो डेटा एरिया और प्रोग्राम एरिया जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स के लॉजिकल एड्रेस जो है, ये दो चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है। आगे अभी हम और देखेंगे कि डेटा एरियाज क्या होता है, डेटा एरियाज में और क्या फर्दर और उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। तो जैसा कि गाइज आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, तो ये एक सब डिवीजन है रन टाइम मेमोरी का, ठीक है, कि एक रन टाइम मेमोरी जो होती है वो किस तरह से डिवाइड होती है। तो यहाँ फिगर में आप देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे हमारे पास आया है कोड, फिर उसके बाद आया है स्टैटिक, फिर हीप है, फिर फ्री मेमोरी है और स्टैक है। तो ये जो है गाइस, ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कोड है, स्टैटिक है, हीप है, फ्री है और स्टैक है। तो कोड जो है वो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, और बाकी जो है ये स्टोरेज मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो मैनेज होगा और मेमोरी को ऑक्यूपाइड करेगा, एलोकेशन होगा, डी एलोकेशन होगा, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, कम मेमोरी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये रिमेनिंग पार्ट्स में कवर होती हैं। और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये दो दो जो है, एक इसका कोड एरिया है और जो दूसरा पार्ट है वो डेटा एरियाज कहलाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉजिकल एड्रेस के बिहाफ में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है इनटू द फिजिकल एड्रेस, ठीक है, जहां पर और जो फिजिकल एड्रेस है ये थ्रू आउट द मेमोरी जो है वो यूटिलाइज होता है और स्प्रेड होता है। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इन टू द फिजिकल एड्रेस, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस इज दैट इज विच आर यूजली स्प्रेड थ्रू आउट द मेमोरी। तो जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ से हम एड्रेस को उसको कॉल कर लेंगे और जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब जो कंपाइलर है, तो इसका हम स्टोरेज भी देख लेते हैं कि कौन सा यूनिट यूज होता है, डेटा का साइज क्या होता है। तो गाइज ये जो अभी हमने पिछला डायग्राम देखा था, तो इसमें जो भी डेटा है तो कंपाइलर यूज करता है बाइट,
ठीक है, तो जो भी आपका प्रोग्राम होगा वो उसको स्टोर करेगा किसमें, बाइट में। और हमें मालूम है कि एक बाइट बराबर, एक बाइट जो बनता है वो 8 बिट से बनता है, और 4 बाइट बन के एक मशीन का वर्ड बनेगा। ठीक है, एक मशीन का वर्ड बनेगा यानी एक सिगमेंट बनेगा। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, या तो सिंगल बाइट के साथ आपका प्रोग्राम काम करेगा यानी एक वर्ड है तो सिंगल बाइट हो जाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल बाइट्स हैं यानी बहुत सारे सीक्वेंस हैं, तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करता है, ये कंटिन्यूस सीक्वेंस देता है, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4। अब ये 4 बाइट मिल गए, एक मशीन, एक इसका मशीन वर्ड बन गया, अब इसको जैसे शेयर करना है, अब इसका एड्रेस शेयर करना है, तो ये पूरे चारों का एड्रेस शेयर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पहले वाले का एड्रेस शेयर कर देगा। ठीक है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कंटेन मोर देन 1 बाइट। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो कंटेन करता है मोर देन 1 बाइट, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सीक्वेंस है, 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। ओके, फॉर एड्रेस दे आर शेयरिंग द फर्स्ट एड्रेस। अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए है तो वो क्या करेगा, उस मल्टीपल ऑब्जेक्ट का पहला एड्रेस जो है वो शेयर कर देगा। तो इस तरह से गाइस क्या होता है, जो आपका डेटा है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में। ठीक है, और 4 बाइट मिलके एक 1 मशीन वर्ड बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज और इम्पोर्टेंट नोटिस करी, वो क्या, कि अगर मोर देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो मोर देन 1 बाइट के सीक्वेंस को कंटिन्यूअस मैनर में एलोकेट होगा, और फिर उसके बाद जब इसके एड्रेस शेयरिंग की बात आएगी तो जो पहला बाइट है उसको वो शेयर कर देता है। ठीक है, अब बारी आती है जो कोड था, वो जो कोड पोर्शन, जो एरिया था वो क्या है, सो इट इज द टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो जो भी आपके प्रोग्राम का टेक्स्ट होगा वो उस कोड वाला जो हमने फिगर देखा था वहां पर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दैट डजंट चेंज एट रन टाइम, कि वो अब रन टाइम में चेंज नहीं होने वाला, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो जो कोड प्रोग्राम था वहां पर आपका टेक्स्ट पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, जो चेंज नहीं होता रन टाइम में, एंड इट्स मेमोरी रिक्वायरमेंट आर नोन बाय द कंपाइलर बिफोर। ठीक है, तो इसकी जो रन टाइम यानी एग्जीक्यूशन के पहले ही कंपाइलर को पता रहता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको वहां पर एलोकेट कर देता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो चलिए, तो ये कोड वाला पार्ट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है एलोकेशन की। तो गाइस यहाँ पर जो एलोकेशन होता है वो 2 तरीके से एलोकेशन होता है इसका, मेमोरी का। पहला एलोकेशन होता है स्टैटिक, जो फिक्स्ड रहता है, और जो दूसरा होता है वो होता है डायनामिक, जो चेंज होता रहता है। दोनों को एक बार समझ लेते हैं। तो व्हेन द कंपाइल्ड डेटा, जब कंपाइल्ड डेटा, ठीक हैज अ फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन, यानी उसको फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन दे दी कि आपके पास इतना स्पेस है, यहाँ पर आपको सेव होना है, एंड इट इज डजंट चेंज व्हाइल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, दिस कॉन्सेप्ट इज कम्स अंडर द स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है, यानी एक तो मेमोरी जो है वो फिक्स हो गई और वो कंपाइल टाइम पर चेंज भी नहीं होगी, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टैटिक एलोकेशन। ठीक है, अब स्टैटिक एलोकेशन में जो है वो क्या है, टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एट रन टाइम द अदर टू एरियाज आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, तो कंपाइलर क्या कहता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए है तो आप 2 चीज़ों को यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है वो है हीप, और जो दूसरा है वो है आपका स्टैक। तो ये 2 एरियाज जो हैं वो हम ऐसे जनरल भाषा में ऐसे समझ लें कि बड़ा प्रोग्राम अगर है जिसको बहुत ज़्यादा मेमोरी की चाहिए, या रन टाइम में बहुत ज़्यादा मेमोरी की चाहिए, वो किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल करता है, वो दूसरा प्रोग्राम किसी तीसरे प्रोग्राम को कॉल करता है, मेमोरी बढ़ते चली जा रही है, तो क्या यूज़ करेंगे, तब हम हीप और स्टैक की बात करेंगे। लेकिन स्टैटिक में ये नहीं होता, स्टैटिक में एक बार फिक्स हो गया यानी हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में। तो ये ब्लॉक डायग्राम गाइस जो है ये दोनों के लिए है, एक स्टैटिक के लिए भी है और एक रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के लिए भी रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, तो अब यहाँ पर हमको क्या फैसिलिटी मिल गई, क्या फैसिलिटी मिल गई, मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब मेमोरी आप रन टाइम में बढ़ा सकते हैं तो दीज एरियाज आर द डायनेमिक एरियाज, और जबकि स्टैटिक वाले में सब चीजें फिक्स होती हैं, तो इनके जो साइज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं एज पर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब बात आती है किसकी, स्टैक की। तो स्टैक जो है, द स्टैक इज यूज टू स्टोर द डेटा स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब जो स्टैक जो है ना, यहाँ पर जो स्टैक आप देख रहे हैं, ये लास्ट में जो स्टैक है ये डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। अच्छा, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं, जिसको हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो जनरेट होता है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है। तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जनरेट होता है जब उसकी प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम आसान भाषा में। तो गाइस, स्टैक जो आप इस फिगर में लास्ट में देख रहे हैं, आपका एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू हुआ। अब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जैसे ही चालू होगा तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा तो वो कौन मैनेज करेगा, वो स्टैक मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसको नाम दे दिया गया है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो हम बिल्कुल जनरल ऐसा समझ लें कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो है वो किसी प्रोग्राम के प्रोसीजर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन के रिकॉर्ड को मैनेज करता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में गाइस हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन डिटेल पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।